So Portugal is the one of the best country, and Arsenal sir is one of the best person I have ever met. Haseen chehre mar jate hain, tasveerein reh jati hain deewaron par. Khud ka ek saal, do saal, teen saal invest kar do. Free mein language kar sakte ho. 1 million euro kama liye, 2 million euro kama liye. Uske baad bhi aap sochoge ki main 3 million tak kaise ja sakta hu. Hello. Good morning friends. Main Arsenal sir ke saath hu. इनका वीडियो तो आप लोग ने सभी ने अच्छे से देखते ही होंगे. इतना अच्छा बढ़िया वीडियो बनाते हैं पुर्तगाल का पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इनका वीडियो देख के पुर्तगाल मैं आया हूँ, और आने के बाद जो मैं पुर्तगाल का बारे में फील किया, ये बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है. और सबसे मतलब कि अच्छा बात यह है कि पुर्तगाल हम लोग को पेपर देता है, और कोई भी आप कंट्री में चले जाओ, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, पैसा बहुत मिल जाएगा आपको, लेकिन पेपर नहीं मिलेगा. अगर पेपर नहीं मिलता है किसी को तो कोई भी फ़ायदा नहीं, कि बाद में जाके आप ग्रुप खुद को ग्रो नहीं कर पाओगे, आप मतलब आप नहीं ग्रो कर पाओगे, आपका फैमिली नहीं आ पाएगा, तो कोई मतलब नहीं है. और इधर का जो बेसिक सैलरी है 760-800 यूरो, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में चलने के लिए किसी को भी 700-800 यूरो कमा लेने के बाद और 100-200 यूरो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो बहुत मतलब कि अच्छा है सेविंग्स के लिए. आप पैसे के पीछे कितने भागोगे? आप 1 million dollars कमा लिए, 1 million euro कमा लिए, 2 million euro कमा लिए, उसके बाद भी आप सोचोगे कि मैं 3 million तक कैसे जा सकता हूँ. तो इसमें आपका खुद का लाइफ निकल जाएगा, ना तो आपका फैमिली सेटल हो पाएगा पुर्तगाल में, ना तो आपका खुद आप सेटल हो पाओगे यूरोप में. तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है. और मुझे जो लगा, ये अपना जो बच्चा होता है ना माँ का, तो पुर्तगाल एक ऐसा माँ है, कोई भी बच्चा वर्ल्ड का किसी भी कोने से इधर आ जाता है तो बच्चा का पैर जो लड़खड़ाता है, चल नहीं पाता है, तो पुर्तगाल ना उसका पैर को स्टेबलाइज कर देता है. इसके पास खुद का IFP बोल के इंस्टीट्यूट है, जहाँ से आप टेक्निकल कोर्स कर सकते हो, फ्री में लैंग्वेज कर सकते हो. अगर थोड़ा सा भी आप लैंग्वेज कर लोगे, आपके पास टेक्निकल कोर्स करने का भी अगर स्किल नहीं है, तो भी आप पुर्तगाल में बहुत अच्छे से सेटल हो जाओगे. और थोड़ा बहुत बंदा जो टेक्निकल स्किल लेगा, जो कर सकता है बंदा, तो उसके लिए तो पूरा ये वर्ल्ड जो है ये पूरा मुट्ठी में है. सो पुर्तगाल इज द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, एंड अर्सेनल सर इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट. एंड अर्सेनल सर का वीडियो फॉलो कीजिए, आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू जो है यूरोप के बारे में बहुत ज्यादा वाइड ओपन हो जाएगा. दैट्स इट. जबरदस्त. अच्छा ये बताएं मुझे, आपने कब से फॉलो कर रहे हैं? मैं अर्सेनल सर का वीडियो लगभग लास्ट 2 years, 1.5 years से फॉलो कर रहा हूँ. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. कौन सी मेरी फर्स्ट वीडियो देखी थी आपने? सर आपका तो इतना सारा वीडियो है, फर्स्ट वीडियो तो मुझे याद नहीं है. और एक वीडियो मैं 2-3 बार देखता हूँ कभी कभी, उसका जो मतलब के पॉइंट होता है वीडियो का, बहुत अच्छा एग्जांपल देता है अर्सेनल सर. एक एग्जांपल दिया है कि ये पुर्तगाल में आप आके अपना खुद का एक साल, दो साल, तीन साल इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद आप देखो कि चाइनीज बैम्बू जैसा होता है ना, एक साल में थोड़ा ग्रो करेगा, दो साल में उससे थोड़ा ग्रो करेगा, तीन साल के बाद और थोड़ा ग्रो करेगा, उसके बाद ये इतना ऊपर चला जाएगा, सभी कंट्री को, सभी सिचुएशन को ये पीछे छोड़ेगा. तो ये सब एग्जांपल जो अर्सेनल सर का है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है. जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा मुझे कैसे ढूंढा और मेरे ऑफिस में कैसे मुलाकात हुई आपकी? एक्चुअली सर का वीडियो के नीचे ना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था, पहले भी दिया हुआ था लेकिन सभी वीडियो में नहीं था, तो कुछ पुराना वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर, तो मैंने सोचा नंबर वर्क करेगा नहीं करेगा, तो मैंने नंबर व्हाट्सएप में सेव किया, सर को मैसेज किया. आपके चेहरे की स्माइल मेरे लिए काफी है. या थैंक यू सर, अर्सेनल सर बहुत थैंक्स. असल में देखे ना, ये इंसान का जो है ना रोजी रिज़्क़ का सिलसिला भी, जिसको भी दुनिया में भेजा गया उसका पैदा करने वाले ने उसको रोजी रिजक का बंदोबस्त भी किया, इसके बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए इंसान को. और कुछ काम जिंदगी में ऐसे करने चाहिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें. यस, ऐसा डेफिनेटली. अगर आप ये मतलब कि जब दुनिया छोड़ के चले जाओगे, आप ऐसा कुछ काम पीछे कर जाओ कि बाकी आदमी लोग आपको बोले कि ये वाला आदमी से मुझे इतना हेल्प मिला था, मुझे इधर यूरोप में सेटल हो गया, मेरा खुद का कारोबार हो गया. तो इसलिए अर्सेनल सर ठीक ही कह रहे हैं, आप जाने के बाद ऐसा कुछ काम करके जाना पड़ेगा कि वो वाला आदमी का नाम बार बार उनके होठों पर आए. हसीन चेहरे मर जाते हैं, हसीन चेहरे मर जाते हैं, तस्वीरें रह जाती हैं दीवारों पर, एक दिन हमने भी चले जाना है. अच्छा ये बताएं कि पुर्तगाल के मतलब जो लोग जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, इंडिया से आना चाहते हैं, कनाडा, अमेरिका के उनके वीज़े लगे हैं या रिफ्यूज़ हो गए हैं, उन्हें
क्या करना चाहिए, पुर्तगाल को सेलेक्ट करना चाहिए, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इस बारे में थोड़ा हाईलाइट करें अपने व्यूज। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए सर, सभी मुल्कों के बात आप छोड़ दो, यूएस, कनाडा, जो भी है, पुर्तगाल ऐसा एक मुल्क है जो पेपर इशू करता है, जो आपके पास थोड़ा बहुत खुद का भी प्रोफाइल होगा तो आप खुद से भी वीज़ा अप्लाई करके आ सकते हो, एजेंट का ज़रूरत नहीं होता है। आपके पास अगर प्रोफाइल नहीं है तो आप 6 months 1 year आपका प्रोफाइल का पीछे काम करो, आपका बिजनेस का टैक्स भरो, ट्रेड लाइसेंस बनाओ, बैंक में ट्रांजेक्शन करो, तो फिर खुद भी आप खुद ही पुर्तगाल यूरोप में आ सकते हो खुद से वीजा लगा के। और अमेरिका जाने का, कनाडा जाने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ये कंट्री बहुत फैसिलिटी ऑफर करता है, और पैसा कमाना तो सभी के लिए जरूरी है, लेकिन वो जितना एवरेज और मिनिमम पैसा कमाओगे जिंदगी आपका उतना सुकून से गुजर सकते हो आप, जो पुर्तगाल में पॉसिबल है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आप पुर्तगाल में आप कब आए थे? पुर्तगाल में मैं आया 30-40 days ही हुआ है अभी। अच्छा, पुर्तगाल में क्या कर रहे हैं जी? अभी फिलहाल मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ, और इसमें जो अर्सेनल सर ने सजेस्ट किया 82 में, ये आर्टिकल कभी भी बंद नहीं होगा, इसमें पेपर लेना भी आसान है, तो उसके बाद मुझे कार्ड मिल जाएगा, तो मैं खुद का एक्टिविटी भी ओपन करने का मुझे इच्छा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे चैनल के बारे में और मेरे पर्सनल मुझसे मुलाकात के बारे में आप कुछ मेरे व्यूवर्स, मेरे फैन फॉलोअर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सभी ये अर्सेनल सर का चैनल को लाइक कीजिए, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है, जो मैं खुद का कंट्री में बैठ के सोचा था कि वीडियो में बहुत कुछ बोलता है आदमी, लेकिन जब आप उसे मिलने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं सच में अर्सेनल सर के पास में आके बैठ के बात कर रहा हूँ। ये आदमी बहुत ही अच्छा, ट्रू, ऑथेंटिक, ज़बरदस्त आदमी है, बहुत हेल्पफुल है आदमी को एडवाइस देने से, सो गॉड ब्लेस हिम इन हिज लाइफ। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका व्यूज़ देने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, फॉलो करते रहिएगा मलकर सलान को, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। गुड बाय बाय बाय।